19 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस जवानों ने आज काला बिल्ला लगाकर काम किया है। वहीं पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस जवानों को 13 महीने के वेतन के साथ क्षतिपूर्ति छुट्टी, जो कि 20 दिनों की होती है, उसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस जवानों को कोई सुविधा नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षतिपूर्ति अवकाश समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र एसोसिएशन के निर्देशानुसार पूरे राज्य के सभी जिले के पुलिस जवान 4 चरणों में आंदोलन करेंगे। आज पहले दिन वे सब काला बिल्ला लगाकर 3 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार गठन के पहले जब सरकार अपने चुनावी वादा किए थे, चुनाव घोषणा चुनाव का मैनिफेस्टो में था पुलिस कर्मियों के लिए कि सीपीएल 13 महीना के वेतन के साथ सीपीएल अवकाश जो है 20 दिन मिलता था, उसको बढ़ा के हम 45 दिन करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए आज 2 साल लगभग बीत चुका है, लेकिन सरकार को इस संबंध में आज तक किसी प्रकार का पुलिस कर्मियों को लाभ नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीएल अवकाश समेत 19 सूत्री मांग को लेकर केंद्रीय एसोसिएशन के निर्देशानुसार पूरे राज्य में सभी जिला के सभी प्रकार के जो पुलिसकर्मी हैं, आपका जिला जैप आईआरबी समेत राज्य में 70-73 हज़ार जो पुलिसकर्मी हैं, सारे लोग प्रथम 4 चरणों में आंदोलित है। उसमें आज पहला दिन जो है काला बिल्ला लगाकर आंदोलन का शुरुआत किया गया है। 3 दिनों तक जो है काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक तरीके से आपका जो है अपना कार्य का निर्वहन करेंगे। उसके बाद जो है आपका, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, उसके बाद जो है हम लोगों ने 1 दिन का उपवास का ये रखा गया है। उसके बाद जो है सरकार फिर भी अगर नहीं मानती है, उसके बाद जो है पुलिसकर्मी शांति तरीके से पुलिस अधीक्षक महोदय जो जिला के प्रमुख है, राज्य के प्रमुख है, उनके यहाँ जा करके धरना दिया जाएगा 1 दिवसीय। उसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हमारे राज्य के 70 हज़ार पुलिसकर्मी जो है सामूहिक हड़ताल, सामूहिक अवकाश 5 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हम पुलिसकर्मियों के दुख दर्द को समझें और हम पुलिसकर्मियों को जो है सीपीएल अवकाश की आवश्यकता है उसे दे दें, पुरानी पेंशन लागू कर दे, ये छोटी छोटी जो समस्या है पुलिसकर्मियों का उसका निदान करें, क्योंकि हम लोग भी समाज का ही अंग है, समाज के ही सेवा में सुरक्षा में लगे रहते हैं, सरकार हम लोग के बारे में भी सोचे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।